नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रूस का वैक्सीन भारत लाने को लेकर एक्सपर्ट की बैठक आज। स्वास्थ्य मंत्री के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मीडिया को जानकारी दी है कि देश में वैक्सीन को लेकर एक एक्सपर्ट की टीम की गठन की गई है, जिसकी बैठक आज होगी। इस बैठक में यह तय किया गया है कि रूस का यह वैक्सीन हमारे लिए उचित है या नहीं, वैक्सीन को कैसे और किस तरह लोगों तक पहुँचाया जाए, किस तरह उसे देश में लाना है और किस तरह उसका वितरण करना है, जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में मृत्यु दर काफ़ी कम है और यह 2% से भी कम हो गई है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार साहिबगंज जिला में भारी बारिश एवं आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से लेकर 15 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के कई जिलों में छिटपुट बारिश होगी, हालांकि पिछले 24 घंटे से बारिश कमजोर हो रही है। ऑनलाइन क्लास से बच्चों में बढ़ रहा चिड़चिड़ापन, मनोविज्ञान। ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए परेशानी की सबक भी बन रही है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल अधिक करने लगे हैं, इसके वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन हो रहा है, वे पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये बातें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में सिटी कॉलेज बोकारो के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रभाकर कुमार ने कही है। झारखंड में आज 591 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 150, पलामू 128, रांची 103, पश्चिमी सिंहभूम 30, कोडरमा व रामगढ़ से 20-20, धनबाद से 17, सरायकेला 13, गुमला 12, हजारीबाग 12, साहिबगंज 11, सिमडेगा 10, बोकारो 10, देवघर 10, गोड्डा व गढ़वा से 8-8, लातेहार व गिरिडीह से 7-7, दुमका से 4 और चतरा व पाकुड़ से 2-2 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 19,469 है, जबकि 10,555 लोग स्वस्थ हुए और 194 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 23,28,405 है, जबकि 16,38,101 लोग स्वस्थ हुए और 46,188 की मृत्यु हो गई। मंगलवार को 5 की मृत्यु हुई है, जो रांची से 2, सिमडेगा 1, पूर्वी सिंहभूम 1 और देवघर से 1 हैं। एक्टिव केस इस प्रकार हैं: रांची 1921, पूर्वी सिंहभूम 1973, धनबाद 542, पलामू 415, हजारीबाग 331, कोडरमा 314, गोड्डा 325, खूंटी 281, सरायकेला 272, साहेबगंज 223, देवघर 217, पश्चिमी सिंहभूम 216, गढ़वा 195, चतरा 187, गुमला 185, लातेहार 183, रामगढ़ 170, बोकारो 162, सिमडेगा 149, पाकुड़ 116, गिरिडीह 104, दुमका 98, लोहरदगा 85, जामतरा से 26 मरीज हैं। पारा शिक्षक अस्थायीकरण की मांग। अस्थायीकरण की मांग को लेकर बार बार आंदोलन करने तथा हड़ताल पर जाने वाले पारा शिक्षकों ने एक बार फिर 5 सितंबर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को इसकी चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 सितंबर तक कैबिनेट की बैठक में अस्थायीकरण पर निर्णय लिया जाए। संक्रमण जांच कराने वालों को एसएमएस से मिलेगा रिपोर्ट, कुलकर्णी। संक्रमण की रिपोर्ट समय पर देना जरूरी है, इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों व स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। सचिव ने लिखा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि आरटीपीसीआर ऐप में मैसेज के जरिए रिपोर्ट भेजे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस कारण कुछ लोगों को संक्रमण की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एनआईसी के सहयोग में एक समाधान निकाला है, ताकि संक्रमण टेस्ट कराते हैं उन्हें इसमें से रिजल्ट मिल सके। 4 लाख प्रवासी को खेतीबाड़ी से जोड़ा जाएगा, 50% सब्सिडी पर बीज का वितरण। कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब्सिडी आधारित बीज की उपलब्धता राज्य की लाखों सखी मंडल की बहनों तक सुनिश्चित किया गया है। इस पहल के तहत खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता के बीज ग्रामीण इलाकों में सखी मंडल की दीदियों को सस्ती कीमत पर सब्सिडी योजना के तहत वितरण किया गया। बता दें कि ग्रामीण परिवार को सखी मंडल के जरिए 50% सब्सिडी पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। रांची में वर्चुअल दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। संक्रमण के कहर के कारण राजधानी रांची में इस बार वर्चुअल श्री कृष्ण जन्माष्टमी दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन की गई। बता दें कि 11 अगस्त 9 बजे तक प्रतिभागी समिति द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं और 12 अगस्त आज रात्रि 10 बजे तक
प्रतिभागियों को अपनी अपनी तस्वीर भेजनी है। मालूम हो कि 13 अगस्त को विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किए जाएंगे। झारखंड वासियों को जन्माष्टमी की बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश और झारखंड वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा, श्रीमद् भागवत गीता से कर्तव्य और मानवता का संदेश लेने वाले भगवान श्री कृष्ण सभी को स्वस्थ और कुशल